जिला प्रशासन द्वारा जिला के सभी 144 राइस मिलों के स्टाफ की मौके पर ही जांच की जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने 13 टीमों का गठन किया गया है। प्रत्येक टीम से एक SCS अधिकारी, मार्केट कमेटी से कर्मचारी, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से कर्मचारी तथा एक सदस्य कष्ट निवारण समिति के मनोनीत सदस्यों में से लिया गया है। आगामी 9 नवंबर तक सभी टीमें स्टाफ की जांच करके अपनी अपनी रिपोर्ट प्रशासन को ही पास सौंपेंगी। यह जानकारी जिला उपायुक्त श्रीमती सुनीता वर्मा ने इन राइस मिलों की चेकिंग के अभियान का शुभारंभ करते हुए दी। उन्होंने आज अतिरिक्त उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह के साथ जींद रोड बाईपास पर हरियाणा राइस मिल के गोदाम का मौके पर निरीक्षण किया। उपायुक्त ने अतिरिक्त उपायुक्त से इन सभी मिलों के गोदाम तथा स्टॉक में रखे गए धान के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इससे पूर्व अतिरिक्त उपायुक्त ने अधिकारियों की बैठक करके गठित टीम के सदस्यों से गोदामों की जांच प्रक्रिया तथा इस संबंध में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में भी विस्तार से बताया। कैथल से नवीन मल्होत्रा, आजाद टीवी न्यूज। इसके लिए पूरे जिले में 13 कमेटियां बना दी गई हैं। हर कमेटी में एक SCS ऑफिसर, एक फूड एंड सप्लाई का कर्मचारी और एक मार्केट कमेटी का कर्मचारी रखा गया है। 3-4 दिनों में 144 के 144 जो राइस सेलर्स हैं, राइस मिल्स हैं, उनका स्टॉक वेरीफाई करेंगे। रूटीन की वेरिफिकेशन है। लगभग जब परचेज खत्म हो जाती है तो ये रूटीन में ये वेरिफिकेशन की जाती है।